यूपी के संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। संभल में बेकाबू ट्रक एक मकान से जा टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? दीपू डांडा। क्या है ये घटना, पूरी जानकारी बताइए। ट्रक आ रहा था उत्तर की तरफ से हाई स्पीड पे, लापरवाही चला रहा था, वो लापरवाही से चला रहा था, इसमें ये यहाँ कट्टी भर रहा था ट्रैक्टर के बराबर में, घर में खड़ा था ट्रैक्टर और अंदर जाके इसने घुस के मारा। फाटे फाटे पूरा ट्रैक्टर नुकसान कर दिया, दीवार अंदर जाके क्षतिग्रस्त कर दिया पूरा सामान, और वो अंदर खड़ा था अपने घर में। जानबूझ के मारा है, जानबूझ के मारा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज दिनांक को थाना रजपुरा के दीपपुर डाणा गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिसमें घर में रह रहे रामचरण सनाप भूरे, जिनकी उम्र 35 साल है, मौके पर मृत्यु हो गई। नरेंद्र सनाप नरेश निवासी चमनपुरा घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक और ड्राइवर को कब्जे में लेकर थाने लाई। घायल को अस्पताल हेतु उपचार हेतु अस्पताल रिफर किया गया, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।